चार सौ बरस दुनिया में न रेल थी छापे अखबार और रिसाले शाये थे किताबें छपती थीं, न सफर और सियाहत की वो आसानियां थी जो आज कल पाई जाती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने में महीनों की मसाफत तय करनी पड़ती थी उन हालात में दुनिया के दरमियान अरब का मुल्क सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था उसके इर्द गिर्द ईरान रोम और मिस्र जैसे मुल्क थे जिनमें कुछ उलूम फ़नून का चर्चा था मगर रेत के बड़े बड़े समंदरों ने अरब को उनसे जुदा कर रखा था अरब सौदागर ऊँटों पर महीनों की राह तय करके उन मुल्कों की तिजारत के लिए जाते थे मगर ये ताल्लुक सिर्फ माल की खरीदो फरोख्त की हद तक था खुद अरब में कोई आला दर्जे का न था ना कोई मदरसा था ना कोई कुतुब खाना न लोगों में तालीम का चर्चा था तमाम मुल्क में गिनती के चंद लोग थे जिनको कुछ लिखना पढ़ना आता था मगर वो भी इतना नहीं कि इस ज़माने केलूम फ़नून से आशना होते वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत भी न थी कोई कानून भी न था हर कबीला अपनी जगह ख़ुद मुख्तार था आज़ादी के साथ लूटमार होती थी आए दिन खून रेज लड़ाइयाँ होती रहती थीं आदमी की जान की कोई कीमत ही न थी जिसका जिस पर बस चलता उसे मार डालता और उसके माल पर कब्जा कर लेता अखलाक और तहजीब की उनको हवा तक न लगी थी बदकारी और शराब खोरी और जुएबाजी का बाजार गर्म था लोग एक दूसरे के सामने बेतकल्फ़ बरहना हो जाते थे औरतें तक नंगी होकर खाने काबे का तवाफ़ करती थीं हराम और हलाल की कोई तमीज न थी अरबों की आज़ादी इस क़दर बढ़ी हुई थी कि कोई शख्स किसी कायदे किसी कानून किसी जाबते की पाबंदी के लिए तैयार न था न किसी हाकिम की इतात कबूल कर सकता था इस पर जहालत की ये कैफियत के सारी कौम पत्थर के बुतों को पूजती थी रास्ता चलते कोई अच्छा सा चिकना पत्थर मिल जाता तो उसी को सामने रख कर परस्तिश करने लगते यानी जो गर्दने किसी के सामने ना झुकती थी वो पत्थरों के सामने झुक जाती थी और ये समझा जाता था कि ये पत्थर उनकी हाजत रवाई करेंगे ऐसी कौम और ऐसे हालात में एक शख्स पैदा होता है बचपन ही में माँ बाप और दादा का साया सर से उठ जाता है इसलिए उस गई गुजरी हालत में जो तरबियत मिल सकती थी वो भी उसको नहीं मिलती होश संभालता है तो अरब लड़कों के साथ बकरियां चराने लगता है जवान होता है तो सौदागरी में लग जाता है उठना बैठना मिलना जुलना इन्हीं अरबों के साथ है जिनकी हालत तुमने ऊपर देखी है तालीम का नाम तक नहीं हती के पढ़ना भी नहीं आता मगर उसके बावजूद उसकी आदतें उसके अखलाक उसके ख्यालात सबसे जुदा हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता किसी से बदकलामी नहीं करता उसकी ज़बान में सख्ती की बजाय शीरीनी है और वो भी ऐसी कि लोग उसके गिरविदा हो जाते हैं वो किसी का एक पैसा भी नाजायज़ तरीके से नहीं लेता उसकी ईमानदारी का हाल यह है कि लोग अपने कीमती माल उसके पास हिफाजत के लिए रखवाते हैं और वो हर एक के माल की हिफाजत अपनी जान की तरह करता है सारी कौम उसकी दियानत पर भरोसा करती है और उसे अमीन के नाम से पुकारती है उसकी शर्म हया का यह हाल है कि बदतमीज और गंदे लोगों में पलने और रहने के बावजूद हर बदतमीजी और हर गंदगी से नफरत करता है और उसके हर काम में सफाई और सुथराई पाई जाती है उसके ख्याल इतने पाकिजा हैं कि अपनी कौम को लूट मार और खून रेजी करते देख कर उसका दिल दुखता है और वो लड़ाइयों के मौके पर सुलह सफाई करने की कोशिश करता है दिल ऐसा नर्म है कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है यतिमों और बेवाओं की मदद करता है भूखों को खाना खिलाता है मुसाफिरों की मेज़बानी करता है किसी को उससे दुख नहीं पहुंचता और वो खुद दूसरों के खातिर दुख उठाता है फिर अकल ऐसी सही कि बुतपरस्तों की इस कौम में रहकर भी वो बुतों से नफ़रत करता है कभी किसी मखलूक के आगे सर नहीं झुकाता उसके अंदर से खुद ब खुद आवाज आती है कि जमीन व आसमान में जितनी चीजें नजर आती हैं उनमें से कोई पूजने के लायक नहीं उसका दिल आपसे आप कहता है कि खुदा तो एक ही हो सकता है और एक ही है इस जाहिल कौम में यह शख्स ऐसा मुमताज नजर आता है गोया ये पत्थरों के ढेर में एक हीरा चमक रहा है या घटा टोप अंधेरे में एक शमा रोशन है चालीस बरस के करीब इस तरह पाक साफ और आला दर्जे की शरीफाना जिंदगी बसर करने के बाद यह शख्स उस तारीकी से जो उसके चारों तरफ फैली हुई थी घबरा उठता है जहालत बदखलाकी, बदकिरदारी बदनज़मी और शरको परस्ती का ये हौलनाक समंदर जो उसको घेरे हुए था उससे वो निकल जाना चाहता है क्योंकि यहाँ कोई चीज़ भी उसकी तबीयत के मुनासिब नहीं आखिर वो आबादी से दूर एक पहाड़ के गार में जा जाकर तन्हाई और सुकून के आलम में कई कई दिन गुजारने लगता है फाके कर कर के अपने रूह और अपने दिलो दिमाग़ को और ज़्यादा पाख व साफ़ करता है सोचता है ग़ौर फिक्र करता है और कोई रोशनी ढूँढता है जिससे वो इस चारों तरफ फैली तारीकी को दूर कर सके ऐसी क़वत ताक़त हासिल करना चाहता है जिससे वो इस बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ फोड़ कर फिर से संवार देख उसकी हालत में एक अजीम शान तगैर रूनुमा होता है एक दम से उसके दिल में वो रोशनी आ जाती है जिसको उसकी फितरत मांग रही थी अचानक उसके अंदर वो ताकत भर जाती है जिसका हूर उससे पहले ना हुआ था वो ग़ार की तन से निकल आता है अपनी कौम के पास आता है उससे कहता है कि ये बुद्ध किसी काम के नहीं इन्हें छोड़ दो ये ज़मीन ये चाँद ये सूरज ये तारे ये ज़मीन व आसमान की सारी क़वतें एक खुदा के मखलूक हैं वही तुम्हारा पैदा करने वाला है वही रिजक देने वाला है वही मारने और जिलाने वाला है सब को छोड़ कर उसी को पूजो सब को छोड़ कर उसी से अपनी हाजतें तलब करो ये चोरी ये लूट मार ये शराब खोरी ये जुआ ये बदकारियाँ जो तुम करते हो सब गुनाह हैं उन्हें छोड़ दो खुदा इन्हें पसंद नहीं करता सच बोलो इंसाफ करो न किसी की जान लो न किसी का माल छीनो जो कुछ लो हक के साथ लो और जो कुछ दो हक के साथ दो तुम सब इंसान हो और इंसान सब बराबर हैं बुजुर्गी और शराफत इंसान के नस्ल और नसब में नहीं रंग रूप और मालो दौलत में नहीं खुदा परस्ती नेकी और पाकिजगी में है जो शख्स खुदा से डरता है और नेक और पाक है वही आला दर्जे का इंसान है और जो ऐसा नहीं है वो कुछ भी नहीं है मरने के बाद तुम सबको अपने खुदा के पास हाजिर होना है उस आदिल हक़ीक़ी के यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी ना रिश्वत चलेगी न किसी का नसब पूछा जाएगा वहाँ सिर्फ़ ईमान और नेक अमल की पूछ होगी जिसके पास ये सामान होगा वो जन्नत में जाएगा और जिसके पास इन में से कुछ ना होगा वो नामुराद दौजख में डाला जाएगा जाहिल कौम ने उस नेक इंसान को महज इस कसूर में सताना शुरू किया कि वह ऐसी बातों को बुरा क्यों कहता है जो बाप दादा के वक्तों से चली आ रही हैं और उन बातों की तालीम क्यों देता है जो बुज़ुर्गों के तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं इसी कसूर पर उन्होंने उसे गालियाँ दी पत्थर मारे उसके लिए जीना मुश्किल कर दिया उसके कत्ल की साजिशें कं एक दिन दो दिन नहीं इकट्ठे तेरह बरस तक सख्त से सख्त जुल्म तोड़े यहाँ तक कि उसे वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर वतन से निकाल कर भी दम न लिया जहाँ उसने पनाह ली थी वहाँ भी कई बरस उसको परेशान करते रहे ये सब तकलीफ़ें उस नेक इंसान ने किस लिए उठाई सिर्फ इसलिए कि वह अपनी कौम को सीधा रास्ता बताना चाहता था उसकी कौम उसे बादशाही देने के लिए तैयार थी दौलत के ढेर उसके कदमों में डालने पर आमदा थी बशर थे कि वह अपनी इस तालीम से बाज आ जाए मगर उसने सब चीज़ों को ठुकरा दिया और अपनी बात पर कायम रहा क्या इससे बढ़कर नेक दिली और सदाकत तुम्हारे ख्याल में आ सकती है कि कोई शख्स अपने किसी फ़ायदे के खातिर नहीं महज दूसरों के भले की खातिर तकलीफ़ें उठाए वही लोग जिनके फ़ायदे के लिए वो कोशिश कर रहा है उसको पत्थर मारते हैं और वो उनके लिए दुआएं ख़ैर करता है इंसान तो क्या फ़रिश्ते भी उसकी नेकी पर कुर्बान जाएं फिर देखो जब ये शख्स अपने ग़ार से ये तालीम लेकर निकला तो उसमें कितना बड़ा इनकलाब हुआ अब जो कलाम वो सुना रहा था वो ऐसा फसीह व बलीग था कि किसी ने न उससे पहले ऐसा कलाम कहा न उसके बाद कोई कह सका अरब वालों को अपनी शायरी अपनी खिताबत अपनी फसाहत पर बड़ा नाज था उसने अरबों से कहा कि तुम एक ही सूरत इस कलाम के मानंद बना लाओ मगर सब की गर्दनें आजिज़ी से झुक गईं हद यह है कि ख़ुद उस शख्स की अपनी बोल चाल और तकरीर की ज़बान भी इतनी आला दर्जे की न थी जितनी उस ख़ास कलाम की थी चुनाच आज भी जब हम उसकी दूसरी तकरीरों का मुकाबला उस कलाम से करते हैं तो दोनों में नुमाया फ़र्क महसूस होता है उसने उस अनपढ़ सहरा नशीन इंसान ने हिकमत और दानाई की ऐसी बातें कहनी शुरू की कि ना उससे पहले किसी इंसान ने कहीं थी न उसके बाद आज तक कोई कह सका न चालीस बरस की उम्र से पहले खुद उसकी जबान से वो कभी सुनी गई थी उस उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक मुआशरत मीशत सियासत और इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलत के मतलब ऐसे क़ानून बनाए कि बड़े बड़े आलम और आकिल बरसों के गौर व ख़ौज और सारी उम्र के तजर्बात के बाद बमुश्किल उनकी हिकमतों को समझ सकते हैं और दुनिया के तजर्बात जितने बढ़ते जाते हैं उनकी हिकमतें ज़्यादा खुलती जाती हैं चौदह सौ बरस से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी है मगर आज भी उसके बनाए हुए कानून में किसी तरमीम की गुंजाइश नज़र नहीं आती दुनिया के क़ानून हज़ारों मरतबा बने और बिगड़े हर आजमाइश में नाकाम हुए और हर बार उनमें तरमीम करनी पड़ी, मगर इस सहरा नशीन उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तनहा बगैर किसी दूसरे इंसान की मदद के जो कानून बना दिए उनकी कोई एक दफ़ा भी ऐसी नहीं है जो अपनी जगह से हटा ली जा सकती हो उसने तेईस बरस की मद्दत में अपने अखलाक अपनी नेकी और शराफत और अपनी अली तालीम के ज़ोर से अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया अपने मुखालिफों को मुआफ़ बना लिया बड़ी बड़ी ताकतें उसके मुकाबले में उठीं और आखिरकार शिकस्त खाकर उसके कदमों में आ रहीं उसने जब फतह पाई तो किसी दुश्मन से बदला ना लिया किसी पर सख्ती ना की जिन्होंने उसके हकीकी चचा को कत्ल किया और उसका कलीजा निकाल कर चबा गए उनको भी फतह पाकर उसने बख्श दिया जिन्होंने उसको पत्थर मारे थे उसको वतन से निकाला था उनको फतह पाकर उसने बख्श दिया उसने कभी किसी से दगा न की अहद करके कभी न तोड़ा जंग में भी किसी पर ज्यादती न की उसके सख्त से सख्त दुश्मन भी कभी उस पर किसी गुनाह या जुल्म का इल्ज़ाम न रख सके यही ने की थी जिसने बिलाखिर तमाम अरब का दिल मोह लिया उसने अपनी तालीम और हिदायत से उन्हीं अरबों को जिनका हाल तुम ऊपर पड़ चुके हो वहशत और जहालत से बाहर निकाल कर अली दर्जे की महजब कौम बना दिया जो अरब किसी कानून की पाबंदी पर तैयार न थे उनको उसने ऐसा पाबंद क़ानून बना दिया कि दुनिया की तारीख़ में कोई कौम ऐसी पाबंद क़ानून नज़र नहीं आती जो अरब किसी की इतात पर आमादा ना थे उसने उनको शान सल्तनत का ताबे बना दिया जिन लोगों को अखलाक की हवा तक ना लगी थी उनके अखलाक ऐसे पाकिज़ा बना दिए कि आज उनके हालात पढ़ कर दुनिया दंग रह जाती है जो अरब उस वक्त दुनिया की कौमों में सबसे ज़्यादा पस्त थे वो इस तनहा इंसान के असर से तेईस बरस के अंदर यकायक ऐसे ज़बरदस्त हो गए कि उन्होंने ईरान रूम और मिस्र के अजीम शान सल्तनतों के तख्ते उलट दिए दुनिया को तमद्दन तहजीब अखलाक और इंसानियत का सबक दिया और इस्लाम की एक तालीम और एक शरीयत को लेकर एशिया, अफ्रीका यूरोप के दूर दराज गोशों तक फैलते चले गए ये तो वो असरात हैं जो अरब कौम पर हुए इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ असर उस उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से तमाम दुनिया पर हुए उसने सारी दुनिया के ख़यालत आदात और कवानीन में पैदा कर दिया उनको छोड़ो जिन्होंने इसको अपना रहनुमा मान लिया है मगर हैरत यह है कि जिन्होंने उसकी पैरवी से इनकार किया जो उसके मुखालिफ हैं उसके दुश्मन हैं वो भी उसके असर से ना बच सके दुनिया तोहद का सबक भूल गई थी उसने यह सबक फिर से याद दिलाया और इतने जोर के साथ इसका सूर सुर कि आज बुध परस्तों और मशरकों के मजहब भी तोहद का दावा करने पर मजबूर हो गए उसने अख्लाक की ऐसी ज़बरदस्त तालीम दी कि उसके बनाए हुए उसूल तमाम दुनिया के अखलाकियात में फैल गए और फैलते चले जा रहे हैं उसने कानून और सियासत और तहजीब माशरत के जो उस बताए वो ऐसे पक्के और सच्चे थे कि मुखालफों ने भी चुपके चुपके उनकी खोशा चीनी शुरू कर दी और आज तक किए जा रहे हैं जैसा कि तुमको ऊपर बताया जा चुका है ये शख्स एक जाहिल कौम और एक नहायत तारीक मुल्क में पैदा हुआ था चालीस बरस की उम्र तक गिलाबानी और सौदागरी के सिवा उसने कोई काम ना किया था किसी किस्म की और तरबियत भी उसने ना पाई थी मगर गौर करो चालीस बरस की उम्र को पहुँचने के बाद कहाँ से उसके अंदर यकए कितने कमालत जमा हो गए कहाँ से उसके पास ऐसा इल्म आ गया कहाँ से उसमें यह ताकत पैदा हो गई एक अकेला इंसान है और एक ही वक्त में बेनज़ीर सिपहसालार भी है एक आला दर्जे का जज भी है एक ज़बरदस्त मुकनिन भी है एक बेमिसाल फिलोसफ़र भी है एक लाजवाब मसलह अखलाक व तमदन भी है एक हैरत अंगेज़ माहिर सियासत भी है फिर इतनी मसरूफियतों के बावजूद वो रातों को घंटों अपने ख़ुदा की इबादत भी करता है अपने बीवी बच्चों के हकूक़ भी अदा करता है गरीबों और मुसीबत जदों की ख़िदमत भी करता है एक बड़े मुल्क की बादशाह मिल जाने पर भी वो एक की किसी ज़िंदगी बसर करता है बोरिए पर सोता है मोटा झूठा पहनता है गरीबों किसी गजा खाता है बल्कि कभी कभी फाक़े की नौबत भी आ जाती है ये हैरत अंगेज़ कमाला दिखाकर अगर वो कहता है कि मैं इंसान से बाला हस्ती हूँ तब भी कोई उसके दावे की तरदीद न कर सकता था मगर जानते हो उसने क्या कहा उसने ये नहीं कहा कि ये सब मेरे अपने कमालत हैं उसने हमेशा यही कहा कि मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है सब कुछ खुदा का है और खुदा की तरफ से है मैंने जो कलाम पेश किया है जिसकी नज़ीर लाने से सब इंसान आजिज हैं यह मेरा कलाम नहीं है न मेरे दिमाग की काबिलियत का नतीजा है यह खुदा का कलाम है और उसकी सारी तारीफ उस खुदा के लिए है मेरे जितने काम हैं यह भी मेरी अपनी काबिलियत से नहीं है महज खुदा की हिदायत से हैं उधर से जो कुछ इरशाद होता है मैं वही करता हूँ और वही कहता हूँ अब बताओ कि ऐसे सच्चे इंसान को खुदा का पैगंबर कैसे न माना जाए उसके कमालात ऐसे हैं कि तमाम दुनिया में इब्तदा से लेकर आज तक एक इंसान भी इसके मानंद नहीं मिलता मगर इसकी सच्चाई ऐसी है कि वो इन कमालात पर फ़ख्र नहीं करता इनकी तारीफ ख़ुद हासिल नहीं करना चाहता बल्कि जिसने ये सब कुछ दिया है साफ साफ उसी का हवाला देता है क्या वजह है कि हम उसकी तस्दीक ना करें जब वो खुद अपनी ख़ूबियों के मुतालिक कहता है कि ये खुदा की दी हुई है, हैं, तो हम क्यों कहें कि नहीं ये सब तेरे अपने दिमाग की पैदावार हैं झूठा आदमी तो दूसरों की खूबियों को भी अपनी तरफ मंसूब करने की कोशिश करता है मगर यह शख्स उन खूबियों को भी अपनी तरफ मंसूब नहीं करता जिन्हें वह आसानी के साथ अपनी खूबियां कह सकता था जिनके हासिल होने का जरिया किसी को भी मालूम नहीं हो सकता था जिनकी बिना पर अगर वह इंसान से बालातर होने का दावा भी करता तो कोई उसकी तरदीद न कर सकता था फिर बताओ कि उससे ज्यादा सच्चा इंसान कौन होगा देखो यह हमारे सरकार तमाम जहान के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम वसलम उनकी पैगंबरी की दलील ख़ुद उनकी सच्चाई है उनके अजीम शान कारना कारनामे उनके अखलाक, उनकी पाक ज़िंदगी के वाक़ात सब तारीखों से साबित हैं जो शख्स साफ दिल हक पसंदी और इंसाफ के साथ इनको पढ़ेगा उसका दिल खुद गवाही देगा कि वो ज़रूर खुदा के पैगंबर हैं वो कलाम जो इन्होंने पेश किया वो यही कुरान है जिसे तुम पढ़ते हो इस बेनजीर किताब को जो शख्स भी समझ कर खुले दिल से पढ़ेगा उसको इकरार करना पड़ेगा कि यह ज़रूर खुदा की किताब है कोई इंसान ऐसी किताब तसनीफ कर नहीं सकता